पुलिस के खिलाफ हंगामा, लापता की तलाश। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर गुमशुदा हुए युवक के परिजनों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। क्षेत्रीय पुलिस का विरोध करने के लिए आज सभी इकट्ठा होकर पुलिस कप्तान के ऑफिस को रवाना हुए, लेकिन उसे पहले ही क्षेत्रीय पुलिस ने सभी को घेराबंदी कर रोक लिया और लापता हुए युवक की बरामदगी का आश्वासन देकर परिवार के लोगों को वापस भेज दिया। दरअसल आज से एक महीना पहले गायब हुए युवक की तलाश अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर आज लापता युवक के परिजन कप्तान मुरादाबाद से मिलने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को रोक लिया और समझाने का काम किया। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा परिवार के लोगों को टरका दिया जाता है, जिसकी वजह से आज सभी ने कप्तान मुरादाबाद से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराने का फैसला लिया। फिलहाल पुलिस ने लापता युवक की तलाश शुरू कर दी है और आरोपियों की पकड़ के लिए काम शुरू कर दिया गया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हत्याकांड और बगल हत्याकांड में हमने पूरा टाइम दिया और चुनावी केस जिस तरह योगी जी आए थे मुरादाबाद में दौरा करने, तो हमने उस समय पूरा समय दिया जब अपने राकेश सिंह जी से डीएम था, उस समय की बात है। ऐसा नहीं है हम गलत व्यक्ति को पता दें, अभी आप कप्तान साहब से मिलने के लिए ये जो रात का सीन हुआ है अभी सुबह में। हम 3 महीने मौलिय दे रहे हैं, 3 से 4 देते हैं, 4 महीने में हमारा जिंदा दे दो। वो तो जिंदा 2.5 महीने में आ रहा है, हम 4 महीने में वो 2.5 महीने में जिंदा आ रहा है। सीडीआर निकलने में लेट वाली थी, दो चार दिन और नहीं निकलती, फुटेज गए।
फिलहाल कहाँ पे है, कैसे क्या है कुछ तो करने दो। चलो और हम मैडम के साथ वहाँ थाने पहुँचे। अरे तो पब्लिक सुनो, अगर पब्लिक हम ही लोग धरने बैठ जाएंगे हमें काफी, लेकिन करम तो दो हमको, पब्लिक को होता है ना करम तो दो, करना दो। हमारा नाम, मेरा नाम ब्रजमोहन है और वो जो हम लापता है वो हमारा भाई है तहेरा और उसका नाम है संदीप उर्फ रामू और वो 8 तारीख में ब्रजघाट के लिए गया था और बोल कर गया था। वो उसके जो साथ थे वो ओमवीर और एक का नाम विशाल है और एक नाम दीपक, ये तीन उसको ले गए हैं ब्रजघाट। हमें मालूम नहीं कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए, वो तो CDR निकली है उससे हमें पता चला है, जब वो भी छानबीन हमने करी है खुद जो पुलिस वालों को करनी चाहिए थी। हम वहाँ पर गए पूछताछ करा कि उसका सिम कहाँ तक चला कहाँ तक नहीं चला, पता चला कि उसका सिम वहाँ तक चला है ब्रजघाट तक, ब्रजघाट पर वहाँ पर जहाँ के छानबीन करी 8 तारीख से 8 अगस्त कहाँ पे, यहाँ पे SSP साहब से मिलने आए थे हम, जब थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमें यहाँ आना पड़ा, हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। जो थाना इंचार्ज हैं, जो वो चौकी इंचार्ज हैं संजय दरोगा जी, उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं करी और हमें ढकेल के मार दिया। नुकर के तुम हमें कानून सिखा रहे हो ये कानून, तो हम कुछ नहीं कर पाए, हम गरीब आदमी। तो फिर जब CDR के जरिए हम खुद गए, हम जब हमारा भाई लापता तो हमें देखना पड़ रहा। जब वहाँ पर हम पहुँचे ब्रजघाट पर तो वहाँ पर जब छानबीन हुई पूछताछ हुई तो कुछ लोगों ने बताया कि जहाँ यहाँ की जो चीज़ जो गुम हो जाती है कुछ हो जाता है तो यहाँ पर चौकी में चला जाता है। तो ब्रजघाट के हम चौकी में पहुँचे तो देखा। अब आपको क्या लग रहा है भाई का? अब हमें तो हमें न्याय चाहिए और हमारा भाई लापता लग रहा है। वो कुछ कल हमें पता चला कि उन्होंने कबूल करा कि वो जो है मार दिया गया है हाँ गंगा में, हाँ और जो 1 महीना हो गया जो कुछ नहीं, बॉडी भी नहीं मिली है। हम ये चाह रहे हैं कि उसकी बॉडी मिले, जिंदा है मुर्दा है कैसा भी हो हमारा भाई हमारे सामने होना चाहिए। और अब ये हम इनसे मिले हैं अधिकारियों से तो ये कह रहे हैं तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, तुम हम पर भरोसा करो। तो हमें बस न्याय चाहिए और उन्हें फांसी होनी चाहिए, जैसे हमारा भाई हमारे हमसे दूर अलग हो गया तो वो उनसे भी अलग हो जाना चाहिए।